हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान जिंक द्वारा शिवपुरा में निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण। हिंदुस्तान जिंक समुदाय के साथ मिलकर समाज का स्वरागीण विकास के लिए प्रतिबद्ध अरुण मिश्रा। हिंदुस्तान जिंक के सामुदायिक सशक्तिकरण अभियान की पहल के रूप में मुझे दरीबा में आदर्श सामुदायिक केंद्र के विकास को देखकर प्रसन्नता है। समुदाय हमारे जिंक परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है और हम साथ मिलकर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा ने ग्राम पंचायत खड़ बामनिया के शिवपुरा गांव में आदर्श सामुदायिक भवन के लोकार्पण अवसर पर कही। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान जिंक में हमने हमेशा समुदायों को सशक्त बनाने में विश्वास किया है और ये केंद्र विकास में सहायक होगा। मिश्रा ने कहा कि हिंदुस्तान जिंक समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेहतर समाज के निर्माण में हमेशा सतत भागीदार रहेगा। इस अवसर पर प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने हिंदुस्तान जिंक द्वारा किए जा रहे सामुदायिक विकास कार्य के लिए जिंक परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि समुदाय हमेशा हिंदुस्तान जिंक के साथ है। लोकार्पण के अवसर पर मुख्य परिचालन अधिकारी माइंस प्रवीण शर्मा, SBU निदेशक राजपुरा दबीबा कॉम्प्लेक्स संजय कुमार खटोड़, प्रधान पंचायत समिति रेल मगरा आदित्य प्रताप सिंह चौहान, SK माइंस के यूनिट हेड विनोद जांगिड़, हिंदुस्तान जिंक की हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन दीप्ति अग्रवाल, राजपुरा दरीबा कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी हेड अंजलि अय्यर, हेड CSR अभय गौतम, खड़ बामनिया की सरपंच पूरन कंवर, समाज सेवी रतन सिंह राणावत, कैलाश बैरवा, ओम प्रकाश खड़ बामनिया पंचायत के ग्रामीण एवं अन्य मौजूद रहे। अतिथियों ने सामुदायिक भवन का विधिवत उद्घाटन कर पंचायत को सौंपा। ग्रामीण वासियों के अनुरोध पर हिंदुस्तान जिंक राजपुरा दरीबा कॉम्प्लेक्स की CSR पहल के तहत ये निर्माण करवाया गया। सामुदायिक केंद्र में हॉल, रसोई घर, स्टोर रूम की सुविधा है जिसमें ग्रामीणों के सामाजिक कार्य किए जा सके। सामुदायिक हॉल का निर्माण सभी समुदायों के लिए किया गया है जो कि गांव के बीच में स्थित है, जिसे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होगा। गांव के लिए ये पहला सामुदायिक हॉल है। इससे पहले गांव के लोगों को किसी भी प्रकार के सामुदायिक आयोजन के लिए असुविधा होती थी। जागरूक टीवी के राजसमंद से नरेंद्र सिंह गंगारोत की रिपोर्ट।